गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को उस वक्त अफरा तफरी की स्थिति कायम हो गई जब बेहोशी की शिकायत लेकर गया बीएमपी से डेढ़ दर्जन से अधिक महिला सिपाही वहां पहुंची। मेडिकल प्रशासन द्वारा सभी प्रशिक्षु महिला सिपाहियों को सुपर स्पेशलिटी वार्ड के आईसीयू में भर्ती किया गया जहाँ उनका इलाज चल रहा है। इस संबंध में अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार को अचानक गया बीएमपी से बेहोशी की शिकायत पर करीब डेढ़ दर्जन महिला प्रशिक्षु सिपाही अस्पताल में लाई गईं। अस्पताल प्रशासन द्वारा उक्त सभी सिपाहियों को इलाज के लिए तत्काल मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी वार्ड में स्थित आईसीयू में भर्ती किया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि उन्होंने प्रशिक्षु सिपाहियों जबकि अचानक बेहोश हो जाने के कारण के बारे में कुछ भी स्पष्ट बताने से असमर्थता जाहिर की है। संवाददाता अशोक शर्मा। अभी सडनली पुलिस डिपार्टमेंट से ट्रेनी लड़कियां एकाएक बेहोश होकर आने लगी और इनकी संख्या धीरे धीरे 2, 3, 4, 5 करते हुए 17-18 तक हो गया। कारण तो पता नहीं है लेकिन ऐसा पता चला है कि कल कोई बच्ची उसमें से हिमरेज के चलते डेथ हो गई थी, जिसके चलते इन लोगों में साइकेट्रिक प्रॉब्लम कुछ हुआ या कोई परेशानी आई, लड़कियां बेहोश होने लगी, पैनिक होने लगी। हालांकि हमारी पूरी टीम जैसे ही हम लोग को पता चला फुल फ्लेजेड लग गई और कोई भी तरह की परेशानी किसी को नहीं हुई।